ओमिक्रॉन को दावत देती भीड़। जश्न मनाइए, जिंदगी भी बचाइए। ओमिक्रॉन को हराने के लिए एक्शन में सरकारें। ओमिक्रॉन से डरना नहीं, लड़ना है। नमस्कार, स्वागत है आपका जी हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। देश में 16 राज्यों में ओमिक्रॉन पैर पसार चुका है। अब तक 300 से ज्यादा केसेस पूरे देश में सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन ने नए साल और क्रिसमस के जश्न के रंग में भंग डाल दिया है। राज्य सरकारों ने सख्ती भी शुरू कर दी है, लेकिन आपको कोरोना के ओमिक्रॉन वेरियंट से डरने की नहीं बल्कि लड़ने की जरूरत है। और ये लड़ाई आप सावधानी और सतर्कता बरत कर लड़ सकते हैं। ओमिक्रॉन उतना खतरनाक नहीं है जितना डेल्टा वेरियंट था, जो अब से कुछ समय पहले तक लोगों को परेशान कर रहा था। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप इसे हल्के में ले लें, क्योंकि ये डेल्टा से 4 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों ने भी तैयारियां पूरी कर ली है। ओमिक्रॉन को हराया जा सकता है, लेकिन जरूरत जिस चीज की है वो है आपकी सतर्कता और सावधानी की। ओमिक्रॉन से डरना नहीं, लड़ना है। सावधानी से हारेगा ओमिक्रॉन। जश्न मनाइए, जिंदगी भी बचाइए। दक्षिण अफ्रीका से आए कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के भारत में अब तक 300 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के कहर को झेल चुका भारत ओमिक्रॉन के मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें तक एक्शन में आ गई हैं और ओमिक्रॉन को रोकने के लिए पुख्ता तैयारी में जुट गई है। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत में दूसरी लहर लाने वाले डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक तो नहीं है, लेकिन इसे हल्के में लेना भी ठीक नहीं है। ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से 4 गुना तेजी से फैलता है। इसके लक्षण जानलेवा नहीं है, काफी हल्के होते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट में हल्का बुखार आता है। चूंकि ये माइल्ड है बहुत ज्यादा, तो हमारा पूरा एफर्ट ये रहेगा, हम जनता से अपील बार बार ये करेंगे कि आप अपने घर पे रहिए, अस्पताल में मत भागिएगा जब तक कि आपके सिम्टम्स थोड़े वो नहीं होते। तो अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं तो आपको हम कोशिश करेंगे आपके घर पे ही, आपके घर के कंफर्ट में आपका इलाज हो। देश में ओमिक्रॉन के कुल 300 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन देश के 16 राज्यों में फैल चुका है। महाराष्ट्र में 65 मरीज, 35 ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में 64 मरीज, 23 ठीक हो चुके हैं। तेलंगाना में 24 मरीज, सभी का इलाज चल रहा है। राजस्थान में 21 मरीज, 19 ठीक हो चुके हैं। कर्नाटक में अब तक 21 मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 15 ठीक हो चुके हैं। केरल में 15 मरीज आ चुके हैं, सभी का इलाज जारी है। गुजरात में 14 मरीज, इनमें से 4 ठीक हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में 3 मरीज, सभी ठीक हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में 2 मरीज, 1 स्वस्थ हो चुका है। यूपी में 2 मरीज, दोनों ठीक हो चुके हैं। लद्दाख पश्चिम बंगाल में 1-1 मरीज मिल चुके हैं और दोनों स्वस्थ हो चुके हैं। ओडिशा में 2 मरीज, चंडीगढ़ तमिलनाडु और उत्तराखंड में 1-1 मरीज मिल चुका है। ओमिक्रॉन पर लगाम लगाने और देश में फैलने से रोकने के लिए पीएम मोदी बैठक पर बैठक कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय राज्य सरकारों को लगातार सावधान कर रहा है। देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। ये समय कदम कदम पर संयम बरतने का है। आपको याद रखना है, जान है
तो जहान है। देखने वाली बात यह है कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट उन लोगों को अपने चपेट में ले रहा है जिन्होंने कोरोना का टीका नहीं लगवाया है, और इसी के कारण अब राज्य सरकारें वैक्सीनेशन को लेकर सख्त हो गई हैं। पंजाब सरकार ने कोरोना के बढ़ते केसों के बीच नया आदेश जारी किया है जिसके मुताबिक वैक्सीन नहीं लेने वाले राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रोक दी जाएगी। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार ने 1 जनवरी से कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लेने वालों पर सार्वजनिक जगहों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। बस में यात्रा, मैरिज हॉल, सरकारी कार्यालय, बाजार, भीड़ भाड़ वाले जगहों पर रोक लगा दी गई है। मैं आपके माध्यम से फिर से कहना चाहता हूँ, रिपीट करना चाहता हूँ, दो ही चीजें हैं जी। पहली, कोरोना होने से बचे, दूसरा होने के बाद इलाज। इलाज के लिए सरकार तैयारी कर रही है पर बचने के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा। 2 साल का एक्सपीरियंस बताता है कि मास्क अगर सभी लोग लगाएं तो 95% से ज्यादा लोग बच सकते हैं। देश में अभी तक 1,39,69,76,744 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। इनमें से 56,54,89,939 लोग कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं, जबकि 83,14,86,835 लोगों ने वैक्सीन का सिंगल डोज लिया है। सावधानी और वैक्सीनेशन का नतीजा यह है कि देश में कोरोना के नए मामलों में कमी आई है और कोरोना के मरीजों की रिकवरी रेट 98.40% है। इसलिए अगर कोरोना से बचना है तो सावधानी बरतिए और कोरोना के नए वेरिएंट से डरे नहीं बल्कि लड़ें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब एक तरफ कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खिलाफ केंद्र सरकार लड़ाई में जुटी है तो दूसरी तरफ लापरवाह लोग कोरोना को अपने घर आने का न्योता दे रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मास्क, वैक्सीनेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, सावधानी और सतर्कता। लेकिन राजधानी दिल्ली के बाजारों से जो तस्वीरें सामने आई उसे देखकर यह लगता नहीं है कि हम ओमिक्रॉन को लेकर देश में फैलने से उसे रोक पाएंगे। देखिए रिपोर्ट। मास्क, 2 गज की दूरी, हैंड सैनिटाइजेशन की हमारा एकमात्र विकल्प है। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। ये तस्वीरें दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट की है जहां लोग कोरोना को भूल चुके हैं। न चेहरे पर मास्क, न सोशल डिस्टेंसिंग, न ही कोरोना होने का डर। देखिए कैसे लोग कोरोना को भूलकर खरीदारी करने के लिए टूट पड़े। भीड़ में लोग एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं। महिला या फिर लड़कियां, नौजवान या फिर बुजुर्ग, हर कोई यहां खरीदारी करने के लिए पहुंचा है। खरीदारी की इतनी जल्दी है कि लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कई लड़कियां और महिलाएं तो नीचे गिर जाती हैं। लेकिन फिर भी खरीदारी करने से पीछे नहीं हटती है। देश में ही नहीं, राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के और खासकर ओमिक्रॉन के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जो कोविड प्रोटोकॉल है उनका ग्राउंड पर कितना पालन हो रहा है उसकी असली तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में मौजूद है जहाँ आप देख सकते हैं इतनी भीड़ है, जहाँ तक आपकी नजर जाए वहाँ तक लोगों की भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पे जो है बहुत ही बुरी तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। काफी लोगों ने तो अपने चेहरों पर मास्क भी नहीं लगाए हैं। साथ ही लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को भी यहाँ पर लेकर आए हैं जिनके चेहरों पर मास्क नहीं है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक सख्ती करनी शुरू कर दी है, लेकिन लोग अपनी जान को खतरे में डालकर खरीदारी कर रहे हैं, कोरोना को दावत दे रहे हैं। जी मीडिया के संवाददाता ने जब लोगों से मास्क पर सवाल किया तो लोग इधर उधर भागते नजर आए, कैमरे से अपने चेहरे को छुपाते नजर आए। कईयों ने तो भूल गया जवाब दिया तो कई अपने पॉकेट में मास्क रखकर दादा की तरह भीड़ भाड़ वाले इलाके में घूम रहे थे जैसे ओमिक्रॉन उनका रिश्तेदार है और उन्हें वो कुछ नहीं करेगा। सर आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? आपके पास मास्क क्यों नहीं लगाया?
मैम आप लोगों ने मास्क नहीं लगाया है? मास्क नहीं लगाया, हमको पास नहीं है ना। कोविड नहीं लगता है हमको, हम नेपाल से आया हूँ। मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क लगाई हूँ। आपने अभी लगाया ना हमारे बोलने के बाद? हाँ। प्लीज मास्क लगा के रखिए, कोविड अभी गया नहीं है। मैम आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? पीएम मोदी ओमिक्रॉन को रोकने के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही है। अगर ओमिक्रॉन को फैलने से रोकना है तो आपको खुद सतर्क रहना होगा और ऐसे भीड़ भाड़ इलाकों में जाने से बचना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक बहुत पुरानी कहावत है, सावधानी हती दुर्घटना घटी। यही बात कोरोना की मौजूदा स्थिति पर लागू होती है। अगर आप सतर्क हैं, सावधान हैं, तो वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन आप अगर ढीले पड़ गए, कोविड गाइडलाइंस को नहीं माना, तो वायरस कब आपको जकड़ लेगा यह आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए नए सिरे से कोविड गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए क्रिसमस और न्यू ईयर जैसे जश्नों पर रोक पूरी तरह से लगा दी गई। ओमिक्रॉन को हराना है, सावधानी अपनाना है। जश्न विद अलर्ट, लाइफ रहेगी कंफर्ट। जो वायरस बीते दो सालों से दुनिया भर के लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है, जिस वायरस ने दुनिया भर की हेल्थ एजेंसियों के एक्शन प्लान पर पलीता लगा दिया, उस कातिल वायरस से लड़ने का एक ही अचूक मंत्र है, सावधानी और सतर्कता। सावधानी के दम पर कोरोना नामक काल को हराया जा सकता है, इस बात को कई देशों ने साबित करके भी दिखाया है। अब कोरोना के ताजा वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए एक बार फिर से सावधानी मंत्र की जरूरत है, क्योंकि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग से भटके तो ओमिक्रॉन हमें जकड़ सकता है। अगर हम मास्क लगाने से पीछे हटे तो ओमिक्रॉन को पैच बनाने का मौका मिल सकता है। इसी को देखते पूरी दुनिया के साथ हिंदुस्तान में भी सतर्कता पर फोकस किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में बीते दो सालों के अनुभव को देखते हुए इस बार एजेंसियां कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है। DDMA यानी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ओमिक्रॉन को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के मुताबिक राजधानी में क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में क्रिसमस और न्यू ईयर पर किसी भी तरह की कल्चरल इवेंट गैदरिंग पर रोक रहेगी। राजधानी में धार्मिक स्थल खुले रहेंगी, लेकिन लोगों को कोविड नियमों का पालन करना जरूरी होगा। इसके अलावा दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में ओमिक्रॉन मामलों और कोरोना मैनेजमेंट पर हाई लेवल मीटिंग की और किसी भी हालात से निपटने के लिए प्रशासन। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी हिंदुस्तान पर खबरें जारी हैं।